हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या डॉट इन। आज हम लोग बात करने वाले हैं भोपाल की एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी की और उसका नाम है जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी। 2013 के एस्टैब्लिशमेंट है, यूजीसी अप्रूव्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कैंपस काफी ब्यूटीफुल है, लोकेटेड इन चंदनपुरा भोपाल। काफी फ्रेंडली, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव लर्निंग एनवायरमेंट ऑफर करते हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के बारे में सभी कुछ डिटेल में जानेंगे, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफर्ड कोर्सेज, प्लेसमेंट, फी स्ट्रक्चर, किन किन कोर्सेज के लिए आपको इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहिए, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपकी जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी को लेके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपना इनिशियल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स, सब्सक्राइब vidya.in। सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। जागरण लेक सिटी का कैंपस लगभग 232 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। अप्रॉक्स 3000 प्लस स्टूडेंट्स यहां पर स्टडी करते हैं। कैंपस में 14 डिफरेंट एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, 125 प्लस क्लासरूम्स हैं, 50 लैब्स हैं, 40,000 बुक्स की लाइब्रेरी है, फुल्ली वाईफाई कैंपस है, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, लगभग सभी स्पोर्ट्स भी विद इन द कैंपस अवेलेबल हैं। जागरण लेक सिटी AICTE अप्रूव्ड है, NCTE अप्रूव्ड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी से भी एफिलिएटेड है। जागरण लेक सिटी का 10 डिफरेंट कंट्रीज की अप्रॉक्स 42 यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, हार्वर्ड बिजनेस पब्लिशिंग एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन, वैंकूवर फिल्म स्कूल जैसी यूनिवर्सिटीज का नाम आता है, जिसके चलते आपको यहां पर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको इंटरनेशनल डिग्री के साथ साथ इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाता है। अब हम बात करते हैं यहां के ऑफर्ड कोर्सेज की। जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल से आप अप्रॉक्स 50 प्लस यूजी, पीजी एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव स्टडीज, लॉ, लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, आर्किटेक्चर, हॉस्पिटैलिटी एंड अप्लाइड साइंस की फील्ड में कर सकते हैं। अगर हम यहाँ के कुछ पॉपुलर कोर्सेज की बात करें तो आप यहाँ से बीटेक ऑनर्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको डेटा साइंस, AI एंड ML एंड साइबर सिक्योरिटी जैसे स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। अगर हम यहाँ की फीस की बात करें तो यहाँ की फीस अप्रॉक्स 1,15,000 पर एनम की है। आप यहाँ से MTech भी कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 75,000 पर एनम की है। इसके साथ साथ आप यहां से BArch कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 1,15,000 की है। डिप्लोमा इंटीरियर डिजाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस 55,000 पर एनम की है। BCA कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 55,000 पर एनम की है। आप यहां से BBA भी कर सकते हैं, जिसकी फीस 50,000 पर एनम की है। और अगर आप BBA स्पेशलाइजेशन के साथ करना चाहते हैं तो आपको यहां से HR, मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस जैसे स्पेशलाइजेशन मिल सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 1,35,000 की है। अगर हम MBA की बात करें तो MBA आप यहां से फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरप्रेन्योरशिप जैसे स्पेशलाइजेशन के साथ कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 1,75,000 पर एनम की है। आप यहां से BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 1,35,000 पर एनम की है। MA जर्नलिज्म कर सकते हैं, MA इन एडवर्टाइजिंग एंड PR कर सकते हैं, MA डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 1,10,000 पर एनम की है। इसके अलावा आप एनिमेशन, फिल्म डिजाइन या फिर यूजर एक्सपीरियंस एंड विजुअल कम्युनिकेशन में भी बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 1,55,000 पर एनम की है। अगर हम लॉ कोर्सेज की बात करें तो आप यहां से BLLB एंड BBLLB ऑनर्स कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 1,75,000 पर एनम की है। LLB कर सकते हैं, जिसकी फीस 65,000 पर एनम की है। LLM कर सकते हैं, LLM में आपको यहां पर कॉर्पोरेट लॉ एंड IP लॉ, साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी, क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस, टैक्सेशन जैसे स्पेशलाइजेशन में मिलते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 1,00,000 पर ईयर की है। यहां से आप BA ऑनर्स लिबरल स्टडीज, BA ऑनर्स साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर भी कर सकते हैं, जिसकी फीस 45,000 पर एनएम की है। आप यहां से MA इंग्लिश लिटरेचर या फिर MA साइकोलॉजी भी कर सकते हैं, जिसकी फीस 75,000 पर एनएम की है। फ्रेंड्स, अगर आप जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल की और भी कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके इसके सभी कोर्सेज और उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जान सकते हैं।
अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो लगभग सभी कोर्सेज में आपको मेरिट बेसिस पे एडमिशन यहां पर मिल सकता है। अगर आप यूजी कोर्सेज करना चाहते हैं तो 12th में 55% एंड अबव मार्क्स होने पर मेरिट बेसिस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप यहां से पीजी कोर्सेज मास्टर्स करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स होने पर आप यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहां के प्लेसमेंट की। जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के ज्यादातर कोर्सेज में आपको काफी अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। लॉ एंड मास कम्युनिकेशन के लिए तो ये यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस है, तो आपको काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज इन कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आसानी से मिल जाएंगी। इसी तरह से अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में भी आपको अप्रॉक्स 3-5 लाख पर एनम का प्लेसमेंट यहां से मिल सकता है। काफी सारी रिनाउंड कंपनीज लाइक ICICI, फ्लिपकार्ट, Amazon, ओबराय, लीला, बैंक ऑफ अमेरिका, HDFC यहां पर प्लेसमेंट के लिए रेगुलरली आती हैं। बट आप यहां से जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसके प्लेसमेंट के बारे में सबसे पहले सही तरह से जानकारी, सही तरह से रिसर्च जरूर कर लें, तभी आप यहां पर एडमिशन लें। ओवरऑल अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिसेंट यूनिवर्सिटी है, फैकल्टी भी काफी हेल्पफुल है, डिसिप्लिन देखने को मिलता है यूनिवर्सिटी में। आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को अपने ऑप्शंस में रख सकते हैं, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में यूजी या पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। और फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको जागरण लेक सिटी की इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी और आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।